थैंक यू इस वीडियो में क्लिक करने के लिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रियलिस्टिक शर्ट कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड जो आप अभी जिस पोर्शन पर आप अभी शेडिंग देख रहे हो, तो इस पोर्शन को मैंने पहले एक वीडियो में कवर कर लिया है, तो वो फर्स्ट वीडियो है। ओके, एंड ये पार्ट टू है, ठीक है, रियलिस्टिक शर्ट ड्राइंग का पार्ट टू है ये। तो आप अगर पार्ट वन देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, आई बटन में क्लिक करके। एंड अभी मैं इस पोर्शन को ड्रॉ करूँगा, हैंड में जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है वो मैं आज ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो फैब्रिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, शर्ट में जो फोल्ड्स दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको 4H पेंसिल से आपको सेट करना होगा, ठीक है। अभी आप HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट HB पेंसिल से आप अगर सेट करने जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा शेडिंग हो जाएगा, ठीक है। 4H पेंसिल HB पेंसिल से ज़्यादा हल्का है, ठीक है, एंड स्मूथ भी ड्रॉ होता है, तो इसीलिए आप HB पेंसिल ड्रॉ करना, ठीक है। एंड फोल्ड्स में जहाँ पर आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है फोल्ड्स में, तो वहाँ पर ज़्यादा सेट करना 4H पेंसिल से, ठीक है। सो पहले मैं सब सारे पोर्शन को फैब्रिक जो स्ट्रक्चर में जो फोल्ड्स दिख रहा है, तो वो सारे स्ट्रक्चर को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन क्लिक करके, ठीक है। तो एंड मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, ओके, ट्यूटोरियल वीडियोस आप देख सकते हो। आपको अगर एनिमे ड्राइंग करना पसंद है तो आप उसका भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, मेरे चैनल में ही है, एंड प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ओके। एंड देखिए आप 4H पेंसिल से ही डार्क पोर्शन को भी ड्रॉ कर लेना, क्योंकि जब आप डार्क पेंसिल से जैसे कि 4B पेंसिल से जब आप सेट करने जाएंगे, तब कहां पर डार्क पोर्शन है वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 4H पेंसिल से ज़्यादा वहां पर सेट कर दोगे तो आपको दिखाई देगा कि कहां पर आपको डार्क पोर्शन करना है। एंड आपको डार्क पोर्शन को ड्रॉ करने से पहले ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर देना होगा, ठीक है, उससे जहाँ पर लाइट पोर्शन है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत शेड हो जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एंड 4B पेंसिल से मैं डार्क पोर्शन को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शन है वहाँ पर आप 6B पेंसिल यूज़ करना, एंड 6B पेंसिल को शार्प कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे डार्क पोर्शन है, एंड छोटे छोटे डार्क पोर्शन को जब आप मोटे नीब से अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आप शार्प कर लेना। एंड देखिए मैं अभी डार्क पोर्शन को सेट कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड आपको अगर इस टाइम लैप्स से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, तो आप कॉमेंट कर दीजिए, ओके, कि रियल टाइम वीडियो बनाने के लिए तो मैं रियल टाइम वीडियो डाल दूंगा, एंड रियल टाइम वीडियो में ऑब्वियसली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके, तो जस्ट आप एक कमेंट दे दीजिए। एंड देखिए मैं डार्क पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड डार्क पोर्शन को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पर आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको सेट करना होगा, एंड 4H पेंसिल से जहाँ पर आपने सेट किया वहाँ पर आपको छोड़ देना होगा, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं करना होगा। एंड वहाँ पर आपको ब्लेंडिंग टूल से 4B पेंसिल यानी कि डार्क से आपको लाइट तक ब्लेंड करना होगा, एंड वहाँ पर आपको ब्लर स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड ब्लर स्ट्रक्चर से जो आपका ड्राइंग है वो अच्छे से दिखाई देगा। एंड देखिए यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप अच्छे से डिटेल्स नहीं कर सकते अगर आप A4 साइज पेज में ड्रॉ कर रहे हो। एंड आपको अगर छोटे छोटे पोर्शन को डिटेल्सली ड्रॉ करना है तो आप ज़्यादा बड़े साइज का पेपर आप यूज़ करना ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो A1 साइज का पेपर, मैंने A4 साइज की पेपर में ड्रॉ किया है। सो आपका फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है, आप फाइनल लुक देख सकते हो। तो अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, जिनको ड्राइंग सीखना है,
तो बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।